भाई लोग, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा कि बहुत आप लोग एक्सरसाइज बोलते हो कि भाई पेट कम करना है, एक्सरसाइज बताते हो आप, नहीं होता है हमसे, मेरा वजन बढ़ा हुआ है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो आज आपका भाई सारा कुछ सोल्यूशन लेके आया है, हर एक आदमी के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक जवान के लिए, जो भी चाहता है अपना पेट कम करना, फैट लॉस करना, उसके लिए ये वीडियो बहुत बहुत ही इफेक्टिव है। 10 मिनट का टाइम लूंगा आपका, 10 मिनट के अंदर में कुछ नहीं करना है। कौन सा एक्सरसाइज करना है आपको, तो आप 10 मिनट तक बस कूदोगे, जंप करोगे। जंप तो कर सकते हो, इससे इजी एक्सरसाइज आप नहीं देखे होंगे कहीं पे। तो जंप करके पेट कम करना है, मोटापा कम करना है, तो ये सारे वीडियो देखो, ये सारे एक्सरसाइज साथ में फॉलो करो, आपका भी पेट कम होगा, फैट लॉस होगा और आप भी बिल्कुल रिप्ड दिखोगे। चाहे एक्सरसाइज करो नहीं करो, अगर आप रेगुलर वे में एक बार अगर आप फैट लॉस कर लेते हो, खाना सही रखते हो, तो आपका पेट कभी बाहर नहीं निकलेगा, आपका फैट कभी नहीं बढ़ जाएगा। 10 मिनट का टाइम दो, फॉलो करो, बेहतर से बेहतर सिर्फ जंप करना है, बस इतना ध्यान रखो। जंप करना जो भाई कर रहा है फॉलो करो, साथ में साथ बस आपको फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। पेट कम करना है, फैट कम करना है, साथ में बस आप फॉलो करो। पहला एक्सरसाइज सिंपल, आपको जंप करना है। सिंपल तरीके से कमर पे हाथ रखो और सिंपल तरीके से जंप करो, कोई मूवमेंट नहीं, बॉडी पूरा सीधा रहेगा और सिंपल जंप करोगे 10 बार 15 बार 20 बार 25 बार। इस तरीके से जंप करना है आपको, जिससे कि पूरा का पूरा बॉडी एक्टिव हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है आपको, यहाँ पे रख के बस सिंपल जंप करना है आपको। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसके तुरंत बाद आपको बिल्कुल ही कम रेस्ट रखना है, इजी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। रेस्ट बिल्कुल ही कम रखना है, हाथ को दोनों ऊपर, 1, पांव को भी बीच में गैप देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, अभी हम रेस्ट लेंगे, 4 सेकंड 5 सेकंड रेस्ट लेंगे। और दो एक्सरसाइज देखिए किस तरीके से दिमाग से मिक्स किए हम लोग, क्या सिंपल जंप, फिर हाथ बाहर, मतलब पांव बाहर और हाथ को भी बाहर, पूरा बॉडी हमारा इंगेज हो रहा है, फैट लॉस भी काम होगा, मोटापा भी काम होगा, पेट भी सही होगा आपका। इसके तुरंत बाद स्विच करना है आपको, कमर पे हाथ, ठीक है, और दोनों पांव में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रखेंगे इस तरीके से और जंप करेंगे ये। चलो स्टार्ट करते हैं, साथ में आप लोग भी स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इजी एक्सरसाइज, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस आप थोड़े टाइम तक करोगे तो फायदा क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा आपको। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी क्या करना है, स्विच इस तरीके से, 1 2 3, इस तरीके से एक पांव ऊपर, उसके बाद जंप, एक पांव ऊपर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप कंफ्यूज हो जाओगे बीच में, बस रुकना नहीं, आपको ध्यान रखना है, आप अगर रेगुलर करोगे 20 बार 25 बार तो खुद आपको आदत हो जाए। क्या, एक पांव को आगे, फिर जंप, फिर एक पांव को आगे जंप, एक पांव को आगे जंप, एक पांव को आगे जंप, 5, एक पांव को आगे जंप जंप, इस तरीके से आप लगाना है सिंपल। 5 बार मैं लगा के दिखाता हूं, बड़ा बोल के करोगे तो बहुत आप ध्यान से आपका नहीं हटेगा। एक पांव आगे जंप, 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 एक पांव आगे लेके जा रहे हो, ये एरिया इंगेज हो रहा है, ऊपर जंप कर रहे हो, तो पूरा मोटा पे ऑल ओवर बॉडी हमारा काम में आ रहा है भाई, ठीक है। साथ में 5 सेकंड का रेस्ट, ठीक है, बीच में आप पानी वाली पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पानी वाली पियोगे तो। अगर आप इजी एक्सरसाइज चाहते हो कि रिजल्ट मिले, रूम बंद करें और रूम में एक्सरसाइज करें, कहीं दिखाना नहीं है, किसी को जलाना नहीं है, लेकिन हमको रिजल्ट मिले, बाहर निकले तो बोले कि हाँ भाई काम हुआ है इसका, पेट वगैरह कम हुआ है, फिजिक अच्छा है, तोंद वाला नहीं दिखा है, सिक्स पैक वाला बनना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों पाओ में डिस्टेंस देंगे भाई, ठीक है, और हाथ पूरा ग्राउंड पे टच करेंगे इस तरीके से, फिर पूरा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना सारा एक्सरसाइज, कहीं नहीं दिखेगा आपको ये एक्सरसाइज, बट ये एक्सरसाइज करोगे महीने भर में आप भाई को थैंक यू बोलोगे, क्योंकि आपको इससे रिजल्ट मिलेगा, फैट लॉस होगा, पेट कम होगा। अभी मैं कोई वर्कआउट नहीं कर रहा हूं, प्रूफ चाहिए आप लोगों को, तो ये देखो अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है, जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑपरेशन होने के बाद भी मैं अपने बॉडी को बिना वर्कआउट किए हुए मैं इस तरीके से मेंटेन कर रहा हूं, तो इससे ज्यादा मैं प्रूफ नहीं दे सकता हूं, क्योंकि बिना जिम के, बिना कुछ किए हुए अगर मैं इस तरीके से मेंटेन कर रहा हूं फिजिक, तो आप लोग को थोड़ा बहुत तो सीखना चाहिए भाई, ठीक है। चलो मैं, हमको पता है आप लोग सीखोगे और आप लोग वर्कआउट फॉलो करोगे, इसलिए आप लोग मैं बता रहा हूं। चलो पांव में थोड़ा सा गैप दो इस तरीके से, ग्राउंड पे टच करो इस तरीके से, फिर ऑल द वे अप, 1 1 अप 2 अप 3 अप 4 अप 5 अप 6 अप 7
अप 8 अप 9 अप 10। बहुत हैवी हैवी मशीन में आप लोग वर्कआउट करते होगे, बहुत पैसे देते बॉस, बहुत पैसा खर्च करते होगे फैट बर्नर पे, सप्लीमेंट पे, जिम पे। बट जिम जाना गलत नहीं है, ये मैं भी बोल रहा हूँ, जिम जाओ अच्छी बात है। बट घर पे अगर करना है आपको, बिना आपके पास कोई अगर पैसा नहीं है, तो आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो ये सारा एक्सरसाइज आपको इफेक्टिव। इसके तुरंत बाद में मत नहीं लगता हूं मैं, तुरंत एक्सरसाइज करता हूं। इसके तुरंत बाद पाँव को ये हमारा था, ये अभी हम किए हैं 10 रिपीटेशंस। अभी क्या करना है, सिंपल इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा का पूरा रिप्ड चाहते हो, फैट पूरा गायब, पूरा बॉडी कटिंग वाला, 6 7 8 9 10। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ भाई काम किया है 10 मिनट, तो क्या काम किया है, रिजल्ट मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, मैं कुछ फालतू नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद देखोगे और खुद महसूस करोगे कि हाँ भाई अगर 10 मिनट काम किया स्टार्टिंग में, वीडियो जब शुरू किया तब इसका बॉडी देखे थे और वीडियो भी खत्म होने वाला है, इस पे तो काम हुआ है, इस पे तो फर्क पड़ा है, तो आप लोग को भी फर्क पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, वर्कआउट को फॉलो करना है और अपने बॉडी को बेहतर बनाना है। बिना जिम के मैं सारा बॉडी मेंटेन करके भी चल रहा हूँ, इंजरी हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज सिंपल स्क्वाड, एक पाँव आगे, ठीक है, ध्यान से स्क्वाड एक पाँव आगे, स्क्वाड दूसरा पाँव आगे, ठीक है, और पाँव कोशिश करेंगे सीधा रखने का। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलो 12 साथ में, 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, 4-5 सेकंड का रेस्ट, आपको सांस प्रॉपर लेना है भाई और पानी पीते रहना है, ऐसा नहीं कि सांस रोक के आप एक्सरसाइज करो। किस टाइम पे, नीचे जाते टाइम इनहेल करना है, ऊपर आते टाइम एक्सहेल करना है, लेना है और ऊपर आते टाइम सांस छोड़ना है, तो ध्यान रखना इस चीज का, ब्रीदिंग प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि हमारा वर्कआउट जो है भाई वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है। अगर आप चाहते हो कि साल भर का रिजल्ट अगर 6 महीने में मिले, तो वर्कआउट भी आपको दुगुना तरीके का डबल इंटेंसिटी वाला करना होगा। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज, सर पे हाथ, बस लोअर बॉडी पूरा फिक्स, और इसको 5 बार इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और फिर एक लंबा सा जंप, ठीक है, 5 बार ट्विस्ट करेंगे फिर जंप। आप हम क्या कर रहे हैं, इसको इंगेज कर रहे हैं और पूरे बॉडी को इंगेज कर, इसको इंगेज कर रहे हैं पूरे बॉडी को इंगेज कर रहे हैं, जिससे कि ऑल ओवर पर्सनैलिटी आपका बहुत ही सेक्सी बन के आएगा, मोटापा दूर होकर आएगा, पेट भी कम होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करो साथ में, हाथ ऊपर साथ में, कोई इस वीडियो बस देखना नहीं है, साथ में वीडियो पॉज करो, स्टार्ट करो आप लोग एक्सरसाइज। चलो 1 2 3 4 5 up 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 साथ में 1 2 3 4 5 up 1 2 3 4 5 साथ में, इसके तुरंत बाद स्विच करना है 1 2 3 4 घुटने तक टच करना है 5 6 7 8 9 10 11 12 up 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी क्या करना है, हमारा वर्कआउट खत्म होने वाला है, तो अभी करना है पहला, हम जो शादी में गए थे छोटा छोटा स्टेप लेकर इस तरीके से गए जंप, अभी क्या करना है, कमर को थोड़ा सा नीचे झुकाएंगे, फ्रंट अपर बॉडी को, और स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है, 50 कम से कम स्टेप्स लेना है, 20-30 स्टेप्स लेना है, चलो 30 स्टेप्स लेके चलता है, जो कि आप लोग भी थकोगे नहीं और हम भी थक गए भाई भी, इसीलिए चलो साथ में
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी। पूरा का पूरा थक जाओगे भाई, जो बात है, क्योंकि मैं जो एक्सरसाइज बताता हूँ थकने वाला ही बताता हूँ। पांच मिनट अगर आपको करना है साथ में आओ, मैं एक्सरसाइज कराता हूँ आपको। पांच मिनट के अंदर में आपका भी हालत खराब हो जाएगा भाई, थक जाओगे आप भी, ठीक है। इसके तुरंत बाद साइड बाई साइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। लंबा लंबा स्टेप लेके पांच बार, चलो पूरा लंबा स्ट्रेच करके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फिर दस बार, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। काम खत्म। इस एक्सरसाइज को आपको करना है दो से तीन बार। मैं थक गया हूं, आप भी थक जाओगे और रिजल्ट मिलेगा आपको भी, और हमको भी रिजल्ट मिला है। हमारा भी रिजल्ट अब आपके सामने है। ओह चलो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में।